The idea behind showing the gravitational field around any planet, let's say, for example, this is a mass that we have, and someone asks us, "Why do you have gravitational field lines represent?" So we show them like this radially. The gravitational fields are shown radially entering the mass. Now, why do I show them radially entering the mass? Because the reason here, the gravitational field line basically tells you the direction of force. A force that is experienced by a mass anywhere around the other mass. Those which are force lagti hai, last but the attractive force lagti. तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से हम जो फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन शो करते हैं वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट शो कर रहे होते हैं। तो यहां पे द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज रेडियली इनटू द प्लैनेट। सही, इट्स रेडियली इनसाइड टुवर्ड्स द प्लैनेट। और ये चीज वाजे होती है फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट में, पहले भी पढ़ा था गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस टेल यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितना कम गैप होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। If you have less gap, you have a strong field. जितना कम gap होगा उतनी ज्यादा strong field आपको जो है वो यहाँ पे observe होती हुई मिल रही होगी। अब gravitational field के बाद अगली चीज जो आप यहाँ पे बात करते हो gravitational field strength की बात करते हो, सही, और उसके बाद फिर हम उसके graphs के ऊपर जाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इट्स एक्चुअली द फोर्स पर यूनिट मास। एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, सही, द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज हाउ यू डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपको याद हो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम होती थी। द रीजन व्हाई यू कॉल इट न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि ये वैल्यू आपको ये नहीं बताती सब्जेक्टिव फोर्स कितनी लग रही है, ये बताती थी वैल्यू कि पर किलोग्राम उस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है। भाई अगर वो 10 किलोग्राम का मास है जिसपे फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है तो वी डोंट केयर अबाउट द 10 किलोग्राम राइट नाउ, वी से कि अगर वहां पे कोई 1 किलोग्राम का मास होता उस पर कितनी फोर्स लग। वो 10 किलोग्राम के आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जज कर सकते हो, तो दैट्स नॉट एन इश्यू, लेकिन हम डिटरमिन करते थे पर केजी, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट मास से समझाया जाता। तो अगर हमारे पास लेट्स से एक मास इधर है और एक छोटा मास इधर है, ये स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लैनेट है, और ये प्लैनेट इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, और इन दोनों के दरमियान में कोई फासला होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास आर आ गया। अब
अगर मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, फोर्स पर यूनिट मास डिफाइन करता हूँ, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर पर यूनिट मास, मतलब वहां जो मौजूद मास है उसमें पर किलोग्राम कितनी फोर्स लग रही है। अब मास से मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जी का फॉर्मूला बन जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हमें वैल्यू देता है एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम योर प्लैनेट। आप चाहो सरफेस पे मालूम करना चाहो तो रेडियस के बराबर आर रख दो, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे पता चल जाएगी। आप ये लिख सकते हो कि भाई फॉर जी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट आप जी एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर लगा दो, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। और एम जो है वो मास है प्लैनेट का, वो जो लार्ज है मास था जिसकी वजह से अगले पे फोर्स लगेगी, अब वो पता कर सकते हो। इन शॉर्ट ये जो M लिखा होता है कैपिटल M यहाँ पे, ये उस प्लैनेट का मास होता है जिसकी वजह से फोर्स लग रही होती है। अगर मैं अर्थ की फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ अर्थ से थोड़ा दूर, तो यहाँ जो मास रखूंगा वो अर्थ का होगा क्योंकि मैं अर्थ की फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ, और डिस्टेंस भी मैं अर्थ से ही लूंगा उस तक का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है अर्थ की ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, जी फॉर अर्थ एट सर्फेस ऑफ प्लैनेट, तो आपको अर्थ का मास पता है 6x24 किलोग्राम, और आपको ये पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.4x6 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके पता लगा सकता हूँ कि मेरे प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। मैं लगाऊंगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, अर्थ का मास 5.99 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर। यहां से आप अर्थ की वैल्यू निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वैरी करती है कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं और असल वैल्यू है कितनी। असल वैल्यू जो अर्थ की है वो 6.37 है रेडियस की, हमने 6.4 अज्यूम किया, 9.75 आ रही है। 6.37 एक्सपोनेंट 6 यूज करो, 9.86 वैल्यू तुम्हें मिलेगी। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी लोकेशन टू लोकेशन अर्थ के सरफेस पे वैरी कर रही होती, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज काइंड ऑफ लाइक एन ओवलॉइड, सही, एक जगह से ज्यादा बेंडेड है, एक जगह से थोड़ा कम बेंडेड है, इट्स नॉट लाइक अ परफेक्ट स्फीयर। बनाते हैं टू मेक थिंग्स मोर सिंपल एंड ईजी, बट टेक्निकली इट्स नॉट। बहरहाल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ गया, और एक चीज याद रखना मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से पता चलती है। तो दिस थिंग ओवर हियर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये चीज हमारे पास बड़ी काम आएगी अभी।
See, this thing is going to be very much important for us. अब जरा बात करते हैं ग्राफ की, इसी प्लैनेट के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे शो किया जाए। So let's say I'm picking up this earth. See, और इस अर्थ के अराउंड जरा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस और उसकी वेरिएशन दर दिखाएंगे। अब देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम अपने प्लैनेट को एक पॉइंट मास अज्यूम करेंगे, और इस अजम्पशन के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये अजम्पशन थोड़ा समझना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाती है कभी कभार। सी पॉइंट मास से रिलेटेड दो बातें आती है बेटा, मैं पहले एक बात उन लोगों से खुद पूछना चाहूंगा, पॉइंट समझते हो मैथमेटिकली पॉइंट होता क्या है? मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो तो कैसे डिफाइन करो? बाउंड्री, अच्छा ठीक है, क्वाइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट अ पॉइंट शुड हैव बीन। देखो पॉइंट जो होती है ना, हाँ लोकेशन, पॉइंट इज बेसिकली अ डायमेंशन लेस कोऑर्डिनेट। ठीक, पॉइंट एक डायमेंशन लेस कोऑर्डिनेट है, ऐसी लोकेशन जिसका अपना कोई डायमेंशन नहीं, जिसकी अपनी कोई लेंथ, अपनी कोई विड्थ कुछ नहीं। ऐसे लाइन होती है जिसकी अपनी एक लेंथ होती है। सही, जब आप कहते हो ना कि भाई ये पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट एक फिक्स पॉइंट को लोकेट कर रहा है, इसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है। सही, इसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई, इसका कोई रेडियस नहीं होगा, इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, इसकी कोई हाइट नहीं होगी, उस चीज को पॉइंट बोलते। तो अगर आप किसी मास को पॉइंट मास अज्यूम करते हो तो आप दो बातों को देखते हुए उसको पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि भाई आपके पास दो मासेस के दरमियान में फासला इतना बड़ा हो कि उसका रेडियस Ignorable, या उसका साइज इग्नोरेबल। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अर्थ के और प्लूटो के दरमियान के कह लो के फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाह रहा था कि भाई अर्थ इधर है, प्लूटो बहुत दूर है यहां से, मैं चाह रहा हूं कि भाई अर्थ और प्लूटो के दरमियान की जरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटरमिन करूं कितनी है। अब अर्थ और प्लूटो के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कंपेयर टू देयर रेडियस कि अगर मैं उसमें रेडियस एड भी करूं तो इट्स kind of like insignificant. It's like for example कि मैं जो है, अगर मैं तुम लोगों को मिसाल दूं एक ऐसी कि मैंने दो टेनिस बॉल्स ली हैं, एक टेनिस बॉल को मैं एक चौरंगी पर रखता हूँ, अगली टेनिस बॉल को मैं अगली चौरंगी पर रखता हूँ। अराउंड एक किलोमीटर का फासला होता है दो चौरंगियों के दरमियान। तो एक राउंड अबाउट पे मैंने एक टेनिस बॉल रखी, अगले राउंड अबाउट में मैंने दूसरी टेनिस बॉल रखी, द राउंड बॉल्स आर लाइक अराउंड 100,000 मीटर्स अपार्ट। Then the radius which is in centimeters of the ball is insignificant. Matlab, it wouldn't affect my results that much if I ignore the size of the ball at that time. You know, faasla itna zyada hai na ki usme 2 centimeter, 3 centimeter ka difference nikalna ya add karna will not create that much of a difference. Aur yahan to millions of meter ke darmiyan ki baat ho rahi hai.
कई हजारा मिलियन एक्सपोनेंट 8, एक्सपोनेंट 10, एक्सपोनेंट 12 मीटर्स के दरमियान के फासले होते हैं। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जो मास है उसको उसका रेडियस इग्नोरेबल है, आप उसको पॉइंट मास अज्यूम कर लेते। एक अजम्पशन इस बेसिस पे आती है। अगली अजम्पशन इस बेसिस पे आती है कि हम भी कहते हैं कि हमारे प्लैनेट जो प्लैनेट है जो मास हम डील कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म बॉडी है और जो कुछ है उसका वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ उसका उसके ऊपर लग उससे लगने वाली फोर्स किसी चीज पे। हम प्लैनेट के अंदर की बात नहीं करते, हम बोलते हैं ये पूरी चीज एक सिंगल पॉइंट की तरह है। जैसे पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती ना, मैंने बोला मैं अगर मैं एक जगह पे पॉइंट लगाता हूँ तो टेक्निकली मैथमेटिक्स के जबान में इस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई रेडियस नहीं, ये एक लोकलाइज्ड एंटिटी है। तो इसी तरह अगर प्लैनेट को एक पॉइंट समझ लेते हो तो टेक्निकली तुम इग्नोर कर देते हो इस बात को कि इस प्लैनेट का कुछ है भी अंदर या नहीं। प्लैनेट के दिखने में तो इतनी बड़ी है लेकिन ये एक पॉइंट की ना मानन दे, मतलब इस पूरे इस बॉल को इस अर्थ को तुम एक छोटे से डॉट के बराबर कर दो। तो वो मामला ऐसा हो जाता है कि भाई प्लैनेट के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि पॉइंट के अंदर कुछ नहीं होता, जो कुछ है उस प्लैनेट के बाहर आएगा, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड बनना, उस पर फोर्स लगना, वो सब कुछ प्लैनेट के बाहर है। इनसाइड द प्लैनेट यू वोंट ऑब्जर्व एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल। इट्स व्हेन यू आर अज्यूमिंग इट एज अ पॉइंट, बट डेफिनेटली नॉट अ पॉइंट मास। नहीं है बिल्कुल कि ये पॉइंट मास होता है, ये पॉइंट मास बिल्कुल भी नहीं होता। रियलिटी में ये अर्थ का अपना एक रेडियस है, सिग्निफिकेंट है, और उस पर लगने वाली फोर्सेस अर्थ के अंदर भी एक्सपीरियंस होती है। ऐसा नहीं है मैं जमीन में गड्ढा खोदूं और मैं जमीन के अंदर घुसूं तो मुझे लेविटेशन फील हो रही हो कि भाई अर्थ की ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करती जमीन के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। द ग्रेविटी इज देयर, सही, इट वॉज ऑलवेज देयर, इट विल बी देयर, सही। बट वेन यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग फॉर प्लैनेट्स विद अ सर्टेन लॉन्ग डिस्टेंस यू अज्यूम के भाई ऐसा, मतलब आप अज्यूम कर लें कि प्लैनेट जो है वो एक पॉइंट मास की विद इन द प्लैनेट वेरिएशन को आपने इग्नोर कर दिया होता है, जो पॉइंट के अपनी एक डेफिनेशन है। ये पॉइंट बेसिकली मींस इट्स अ लोकलाइज्ड रीजन एंड इट हैज नथिंग विद इन, सही, उसके कोई डायमेंशन नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसके बाहर की दुनिया है। पॉइंट के अंदर आप सोचो कि भाई मैं पॉइंट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ तो पॉइंट के अंदर एनालिसिस हो नहीं सकती, क्योंकि पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो आप अर्थ को भी इस तरह से या किसी भी प्लैनेट को जब आप पॉइंट अज्यूम करते हो तो आप ये अज्यूम करते हो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है, जो कुछ इफेक्ट आ रहा है वो उसके बाहर आ रहा है। तो पॉइंट मास में दो बातें आती है हमारे पास। सबसे पहली बात डिस्टेंस बिटवीन मासेस इज सो लार्ज दैट देयर रेडियस कैन बी इग्नोर्ड। The distance between masses is so large that their radii can actually be ignored. और दूसरा मामला the entire planet can be assumed as a single entity. With no variation inside the body. Whatever exists, exists outside the planet. मतलब ये समझ लो कि तुमने अज्यूम कर लिया है कि दुनिया खोखली है, सब कुछ उसके सेंटर में है लेकिन इफेक्ट उसका सरफेस के बाद आता है। Everything is at the center, the effect is from the surface.
अब जरा सा ग्राफ बनाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। तो भाई व्हेन यू अज्यूम इट एज अ पॉइंट मास, तो आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ कहीं पे भी, मैं उसके हिसाब से इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात का ख्याल रखना मेरे बच्चे, ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको बताएगी कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं दोनों साइड्स पे, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा प्लैनेट की तरफ जाते हुए, बीइंग वेक्टर्स किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव लेना जरूरी। तो जो हमारा लॉन्ग लास्ट कन्वेंशन है हम वही यूज करते हैं कि हमारे लिए लेफ्ट साइड पे जाने वाली हर चीज नेगेटिव और राइट साइड पे जाने वाली हर चीज पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव बोला करते थे, तो टेक्निकली दिस इज अ नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ वेयर एज दिस वन इज पॉजिटिव फील्ड स्ट्रेंथ। तो जो मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे इस साइड पे वो मैं नेगेटिव से ड्रॉ करूंगा, और जबकि इस साइड पे मैं उसको पॉजिटिव से ड्रॉ करूंगा। वैल्यूज उसकी सेम होंगी लेकिन वेरिएशन नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से आप दिखाओगे। आप जितना प्लैनेट से दूर जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ सेपरेशन के साथ, तो जितना आप दूर जाते चले जाएंगे फील्ड उतनी वीक होती चली जाएगी आपके पास। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्क्वायर टाइम्स डिडक्शन वाला ग्राफ बनेगा। और ऐसा ही मामला इधर भी आएगा, द सिमिलर इफेक्ट दीजिए। और इसकी वैल्यू ऐसे है बेटा, अगर अब यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के बराबर थी, जी नॉट थी, लेट्स से मिसाल था, जब डिस्टेंस आपका सेपरेशन आपका प्लैनेट के रेडियस के बराबर आ रहा था आर, अब अगर आप इससे डबल डिस्टेंस पे चले जाइए आपके पास जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो सिर्फ 4 टाइम्स कम हो जाएगी। और वही मामला इधर भी होगा कि अगर यहां पे आपका डिस्टेंस r था, प्लैनेट के लेफ्ट हैंड साइड पे थे, आप जब डिस्टेंस अपना डबल कर देंगे यहां पे 2r पे आ चुके होंगे, तो आपकी वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स कम हो चुकी होगी जहां से आप स्टार्ट हुए। आउटसाइड द प्लैनेट आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा होता है, एंड व्हेन यू गो इनसाइड द प्लैनेट तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ प्लैनेट के अंदर जीरो हो जाती है, क्योंकि आप इसे पॉइंट मास अज्यूम कर रहे थे, तो जो कुछ था वो सरफेस से बाहर था, सरफेस के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। Inside the planet, you assume gravitational field strength is zero. But I'm saying it again, you assume that, mere bachche. It's not the exact case. Matlab, we never ever observe if we go deep down in the caves, to hum levitate nahi karte. The gravity is still there, but the gravity gets weak. Reality mein, the gravity gets weaker. And I'll tell you the reason why. According to the formula of G equals GM upon R square, जब तक हम प्लैनेट के बाहर होते थे तो बेटा ये दोनों चीजें हमारी फिक्स्ड होती थी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज फोर्थ, दीज टू थिंग्स, द जी एंड एम, दे बोथ वर फिक्स्ड, दे वर कांस्टेंट। तो सिर्फ आर के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करता था, लेकिन व्हेन यू गो इनसाइड द प्लैनेट, फॉर एग्जाम्पल this is the location and I draw see another circle and let's say I have dug a hole within the planet
मैं जमीन में गड्ढा करके अंदर आ चुका हूं उस वक्त. इफ आई एम समवेयर ओवर हियर एट दिस पॉइंट, तो टेक्निकली जो मास मुझ पे ग्रेविटी का इफेक्ट डाल रहा है वो मास कम हो गया. द मास विच इज बिलो मी इज द वन विच इज क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ये वाला मास ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर वाला नहीं, जो मुझे अपनी तरफ पुल करने का काम कर रहा है. तो व्हेन यू गो डीपर इनसाइड द प्लैनेट, नॉट ओनली जस्ट द रेडियस डिक्रीजेस, वरना तो आपको ऐसा लगे तो बढ़ती चली जानी चाहिए वैल्यू. सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनफिनिटी होनी चाहिए. दिस डजंट हैपन. द रीजन व्हाई इट डजंट हैपन बिकॉज एज यू गो डीप इनटू द प्लैनेट द रेडियस एज वेल एज द मास चेंजेस which was creating a gravitational effect. The result is that the drop in mass is very significant. The gravitational field strength begins to decrease. तो यहाँ पे आप इसी चीज को समझाते हो कि भाई inside the planet the mass creating the gravitational force decreases too. So g decreases. और ये जो gravitational force का decrement आता है ये linear आता है, मतलब reality में graph ऐसा जाता है. This is what you have observed in reality. It's something not like technically a part of your syllabus. Exam is not going to ask you about this. लेकिन just giving you an idea कि भाई ऐसा क्या होता है यहाँ पे. When the earth is not assumed as a point mass, ये तब की situation है. तो gravitational field strength की variation का हमें थोड़ा सा अंदाजा हो, और मैंने values के साथ इसलिए बात को समझाया क्योंकि if an examiner wishes to have the graph of gravitational field strength drawn, sometimes he wants to make sure that you draw it with the values. मतलब at least ये दिखाओ कि जब हमने 2 किया तो g by 4 हुआ, जब 3 किया तो g by 9 हो गया. इतना जरूर दिखाने को. ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल रिटर्न. चलो भाई लेट्स रिज्यूम. तो हम लोगों ने अब तक जो बातें डिस्कस की उसके अंदर हमने अब तक ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ था उसके ऊपर बात कर ली. अब जरा दो प्लैनेट्स के दरमियान में ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं, इसी तरह पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ जाएंगे. लेट्स से कि मैं अर्थ और एक इसी तरह से कोई दूसरा प्लैनेट उठाते हूं, जुपिटर. लुक्स कूल. ये नहीं भाई, दिस इज द वर्स्ट. आई नीड अ कूल जुपिटर. क्या फजूल है. बहरहाल एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अभी एस्थेटिक्स बाद में देख लेंगे, बहुत कर लिया एस्थेटिक्स. सो वी हैव वन प्लैनेट ओवर हियर
and the other one over here. ठीक है भाई, and we need to determine कि भाई इनके दरमियान की जो gravitational field strength की variation है वो कैसे हो रही है, graph बनेगा वो कैसा बनेगा. तो to begin with इसका तरीका हमारा ये होगा कि हम दोनों planets की gravitational field strength की graphs draw करेंगे और उसके बाद उन दोनों के resultant को draw करेंगे. This is one over here. We have the gravitational field strength in newtons per kilogram. We have the gravitational field strength in newtons per kilogram over here. Okay, and the next thing that we have is separation r. Okay, और मैंने यहाँ पे radius जो है वो draw कर दिया. Mark the radius because we'll be needing help from that. अच्छा भाई, हमें पता है कि हमारे पास जो भी वेरिएशन हमें दिखानी है ग्राफ के तौर पे वो प्लैनेट के बाहर बाहर की दिखा, प्लैनेट के बाहर बाहर की वेरिएशन दिखानी है. तो भाई सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मैं अपने इस बड़े वाले प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू की वेरिएशन दिखाऊंगा. ठीक है, एंड फॉर दैट व्हाट आई एम सपोज टू डू ओवर हियर, आई विल पिक अप अ लार्ज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ओवर हियर. The point is, before drawing that, I need to know ki from where am I supposed to draw? Am I supposed to draw it in the negative region or in the positive region? So, uski judgment ke liye better tarika ye hota hai ki you draw the direction of the gravitational field lines for both the planets. Aapko pata hai gravitational field line hamesha planet ki taraf hoti hai. To yahan se aapko andaaza ho jayega ki aapki kaun si field strength ki direction negative aur kaun si positive. So technically. For this black planet, capital M, see the gravitational field strength is negative. On for the green planet, it's positive because direction of vector mujhe bata raha hai. If I draw the gravitational field line over here, so let's say iska mass zyada tha, so I'll start from here, or ye graph aisa jayega. ये ग्राफ की वेरिएशन इस तरह से हो रही है, वैल्यू कम होती चली जाएगी. आप जितना दूर जाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ड्रॉप होती जाएगी. इसी तरह से जो स्मॉल एम है उसकी वैल्यू को देखिए. सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, इट वाज सपोज्ड टू बी ड्रॉन फ्रॉम हियर, मुझे भी अंदाजा हुआ. It's negative, so it's supposed to be drawn from here. So graph ऐसा बनेगा. अब मैंने यहाँ तक बनाया, mass one की तरफ कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. M two का जो graph होगा, वो थोड़ा सा छोटा बनेगा, जो small m का, क्योंकि उसकी gravitation field strength कम होगी, उसका mass कम है ना. हमारे पास यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ से इसका graph शुरू कर दूँगा. मैंने fourth line से शुरू किया था, यहाँ मैं second line से start करा, और variation बिल्कुल वैसी नजर आएगी हमें यहाँ पे. ये वेरिएशन ऐसी आ रही है. ये मैंने दोनों मासेस के अलग अलग ग्राफ्स बना दिए. दिस इज फॉर स्मॉल एम, एंड दिस इज फॉर द कैपिटल एम. अब अगर गौर करो, मुझे चाहिए रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड. What I want is the resultant gravitational field. तो अब याद रखना, मैंने शुरू में बात आप लोगों को बताई थी कि gravitational field strength is a vector quantity. So if it is a vector quantity, I can say one thing कि भाई the gravitational field strength is basically the vector sum of both the field strengths. मतलब one और two, इन दोनों की field strengths का vector sum. वेक्टर्स को इधर ऐड करते हो ना, जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसके लिहाज से. तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से बेटा ऐड करना शुरू करोगे तो आपके पास ये हो जाएगी माइनस जी वन और ये हो जाएगा प्लस जी टू. तो आप रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड को बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ लाइक जी टू माइनस जी वन. दिस इज द मैथमेटिक्स. एंड इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आप किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करके बना के दिखा सकते हैं.
आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप खुद देख लो, आपको पता ही सब्ट्रैक्ट होने, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि जो नया ग्राफ बनेगा वो इन दोनों के दरमियान में कहीं बनेगा। एंड दे वुड कम अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर, जहां पे दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, मतलब रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी दोनों की कंबाइन करके, क्योंकि दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों प्लैनेट्स की फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल और ऑपोजिट है यहां पे। तो हमारे पास, चाहो तो इसको अगर थोड़ा सा और ग्राफ को ट्वीक करना चाहो, यहां से शुरू कर दो भले, तो यू विल फाइंड अ पॉइंट ओवर हियर व्हेयर द स्ट्रेंथ इज गोना बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू वन अनदर, इट्स ओवर हियर। पर आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ऐसा हो, ये आपका रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है, ड्रॉ इन ब्लू ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आसान रहे। ये चीज, द ब्लू ग्राफ इज द ग्राफ फॉर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमेशा ऐसे बनते हैं मेरे बच्चे, यू गो फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू टू अ पॉजिटिव वैल्यू, द रीजन बीइंग दैट कि आपके पास एक जगह पे प्लैनेट M1 की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और एक तरफ प्लैनेट M2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दरमियान में दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी हो जाती है तो वहां पे जीरो आ जाता है, और उसके अलावा आप जितना जिस प्लैनेट के करीब जाओगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती चली जाएगी अगले वाले की, वहां पे वीक इफेक्ट आएगा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो दूसरे प्लैनेट के लिहाज से बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा इलाबरेट करके ऐसे भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं भाई जी इक्वल्स टू G M2 over, let's say for example, अगर मैं distance के लिहाज से बात कर लूं यहां पे, we redraw, copy कर लेता हूं, लेट्स से कि भाई मैंने यहां पे कोई भी पॉइंट पिक कर लिया पॉइंट एक्स, पहले तो मैं इनको किनारे लगाऊं, अंदर से दिस इज पॉइंट एक्स, तो मुझे यहां पे मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, तो ये एक्स माइनस आर हो जाएगा मास एम, स्मॉल एम तक का जो, स्मॉल एम से जो फासला है को मैं M1 बोल देता हूँ, उसको मैं M2 बोल देता हूँ। तो अगर मुझे पॉइंट X पे डिटरमिन करना है कि भाई फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है इस पॉइंट पे, रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा G इक्वल्स, अब क्योंकि मुझे पता है अगर आप M1 के लिहाज से देखें तो ये माइनस के अंदर है वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन उसकी इस तरफ थी, और यहाँ पे
एम टू के लिए ऐसा डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मैं एम वन की वैल्यू रखूंगा तो मैं रखूंगा माइनस जी एम वन ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसका फासला एम वन से एक्स के बराबर है। और दूसरे के लिए रखूंगा तो मैं पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखूंगा क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, एंड जी एम टू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। And it completely depends upon you. मैंने ये random numbers उठाए, variables उठाए, x और r, आप चाहो किसी भी हिसाब से working कर सकते हो। कभी-कभार exam से क्या कहता है, वो पूरे दोनों के दरमियान के फासले को x बोल देता है, दोनों के दरमियान के फासले को x बोल देता है, और वो बोल देता है भाई planet number one से हम इतना दूर आ गए हैं, जरा बताइए resultant gravitational field strength कितनी है, वहां से solve कर लेते हैं उसको। It completely depends कि आप इसको working में किस तरह से लेकर आ रहे हैं। What I'm teaching you is not to remember these equations. What I'm teaching you how to make these equations. If you will remember just this thing, this is the most important part. The rest is easy for you. ये कि भाई ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव नेगेटिव से आपने इसको सॉल्व कर दिया, और अगर आपको पता करना है कि भाई जीरो कहां पे, तो जी को जीरो रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। ये दोनों प्लैनेट्स के दरमियान में आप पता करना चाह रहे हो वो जीरो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वाली लोकेशन, आप जी को जीरो रख दें, दैट्स इट, यू आर डन। व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, यहाँ का जीरो, इसको सिंपलीफाई कर लेना, ये चीजें होती है। इस तरह से अपने जहन में थोड़ा बहुत तुम लोग कॉन्सेप्ट रखो, इक्वेशन को मॉडिफाई करने के तरीके अपने जहन में। इसमें कोई सवाल अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ कह रहे हो का आप? ठीक है, अब अगली चीज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, हमने ग्राफ्स वगैरह भी देख लिए बिटवीन टू प्लैनेट्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग के तौर पे,